तो आइए जानेंगे कि बीपीएससी के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं। तो बीपीएससी के अंदर टोटल 29 पोस्ट हैं, ठीक है। अभी तक मतलब पिछले 3-4 रिक्रूटमेंट्स मिला के अगर आप देखेंगे तो 29 तरह के डिपार्टमेंट है, 29 तरह की सर्विस है जो कि बीपीएससी के थ्रू जाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सॉट जो पोस्ट है वो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको पता है, ठीक है, सबसे पहले तो उससे आप डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का। और कई लोगों को एसडीएम मिलता है, कई लोगों को डिप्टी कलेक्टर मिलता है, इस तरह की पोस्ट दी जाती है। उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस जो कि दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जिससे आप डायरेक्ट डीएसपी के पोस्ट पे हायर होते हैं। तीसरी जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो है बिहार फाइनेंस सर्विस, जिसमें कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं और आगे प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं स्टेट जीएसटी का, ठीक है। जो जीएसटी स्टेट होती है तो उसके लिए जो कमिश्नर हायर होते हैं वो इसके बिहार फाइनेंस सर्विस के थ्रू, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि रेवेन्यू सर्विस बहुत कंफ्यूजिंग है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है तो वो इनकम टैक्स और रेवेन्यू से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, लेकिन बिहार रेवेन्यू सर्विस में वो कोई और सर्विस हो जाती है, उसमें सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर वो सब बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर वैसे ही फाइनेंस सर्विस तो खैर सेंट्रल लेवल पे नहीं है। बिहार में क्या होता है कि वो फाइनेंस सर्विस में आप जीएसटी का काम देखते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर में आप कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का काम देखते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि आपको पता होगा कि स्टेट स्टेट में क्या होता है कि आपको जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं है। जीएसटी और इनकम टैक्स क्या है कि स्टेट कलेक्ट ज़रूर करती है सेंटर के बिहाफ पे, लेकिन वो सेंटर का सब्जेक्ट है, ठीक है। वहीं स्टेट का क्या है अपना रेवेन्यू, वो है लैंड लैंड टैक्सेस जो होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन टैक्सेस, तो वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो इसीलिए जब स्टेट रेवेन्यू सर्विस है तो वो आपको सर्किल ऑफिसर हो गया या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया जो, तो वो सब रेवेन्यू सर्विस के अंदर आएगा, जबकि जो जीएसटी है वो फाइनेंस सर्विस के अंदर आएगा। तो ये तीन पोस्ट जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, यही तीन सर्विस बेस्ट मानी जाती है और ये तीन सर्विस सबसे अच्छी है। इस तीन सर्विस के लिए आप कोई से भी जॉब छोड़ सकते हो एक्सेप्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है ये तीनों। उसके बाद के जो पोस्ट हैं कंपेरेटिवली लो होते हैं, मतलब कि बाकी सारे जो जॉब्स हैं आप उनको उनसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब्स अच्छी होती हैं, ये जो तीन मैंने बताई। और बाकी जो पोस्ट हैं, बाकी के 25-26 हैं, उसमें भी कुछ पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं और कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, तैयारी करते रह सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि अगर मिलती हैं तो फिर उसको ज्वाइन कर लेना अच्छा रहता है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट क्या हैं। तो उसी तरह से होम ऑफिस के अंदर, स्टेट होम ऑफिस के अंदर एक जिला समादेष्टा का आता है, ये भी डीएसपी का पोस्ट है, लेकिन होम गार्ड आपने सुना होगा तो उसमें ये डीएसपी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर का पहली बार आया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सर्विस, तो आप लोग सचिवालय सहायक भरते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो ये सचिवालय सहायक से दो पोस्ट ऊपर की पोस्ट है ये, ठीक है, एक पोस्ट ऊपर है लेकिन इसकी ग्रेड पे जो है वो लेवल 9 है। तो जैसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं एएसओ, इसमें आप सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद लोक सूचना पदाधिकारी जो होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर सेक्रेटेरिएट में, ये भी एक बार आई थी वैकेंसी, ये भी अच्छी है। उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस, अगर मैं बाकी
उन तीनों के बाद मैं चौथा नंबर बिहार एजुकेशन सर्विस को दूंगा, क्योंकि इसमें आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पे आप रिक्रूट होंगे, और उसके बाद इसकी प्रमोशन भी अच्छी है, आप आगे चल के डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप पहुंच सकते हैं। तो जिसमें अभी 65th जो रिक्रूटमेंट आई थी, तो वो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या होता है, वो समाज कल्याण पदाधिकारी जो भी होता है, जो आपने CDPO का फॉर्म भरा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो उसका आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड यही होता है, ठीक है। और उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, तो आपने देखा वो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का आया था, जो कि 4200 ग्रेड पे है, वो प्रमोट होकर के सब डिविजनल माइनॉरिटी ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर तक वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर पे ज्वाइन करते हैं लेवल 9 इसका भी, तो आगे आप माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आगे आप प्रमोट हो सकते हैं, तो ये भी एक ठीक ठाक पोस्ट है। उसके बाद फिर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, तो वो CDPO वाला ये है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण पदाधिकारी पहले हुआ करता था, सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बिहार में क्या है, पहले सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हुआ करता था, अब क्या है कि बिहार के अंदर तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, माइनॉरिटी के लिए अलग वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर जो होता है आंगनबाड़ी और ये सब, उनके लिए अलग वेलफेयर है, जो सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, समाज कल्याण पदाधिकारी पहले हुआ करता था। तीसरा एक होता है SC ST वेलफेयर ऑफिसर, तो वो एक अलग मतलब कर दिया गया है। वहीं झारखंड में अगर आप जाएंगे, तो झारखंड में ये सिर्फ दो है, एक तो समाज कल्याण है और दूसरा SC ST वेलफेयर है, जो सारे वेलफेयर का काम देखता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट SC ST वेलफेयर में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट SC ST वेलफेयर ऑफिसर डायरेक्ट हायर नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट हायर नहीं होते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने देखा होगा कि 65वीं में नहीं, 64th में शायद SC ST वेलफेयर का आया था ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर, तो उससे आप प्रमोट होकर के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर तक बन पाते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही अलग अलग तरह के वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर होता है, तो उसमें पोस्ट की पावर जो है अलग अलग है, तो उस वाले पोस्ट की पावर थोड़ी ज़्यादा है, वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पोस्ट है उन तीनों चारों के बाद, क्योंकि लैंड जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो आपको इसी डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको जो शराबबंदी हुई है, तो उसके जो ये जो भी प्रोटेक्टर होते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट से होते हैं, तो अच्छी पोस्ट है ये, बहुत लेवल 9 मिलता है इसको। उसके बाद पुलिस सर्विस के की तरह ही जेल सर्विस है, एक बिहार जेल सर्विस, जेल सुपरिटेंडेंट बनते हैं, इसमें भी 5400 ग्रेड पे है, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद तो बिहार इलेक्शन सर्विस, जो कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन का हेड कौन होता है, DM होता है, लेकिन जो बाकी टाइम पे जो इलेक्शंस के जो काम देखते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सर्विस के ऑफिसर देखते हैं, जिला इलेक्शन पदाधिकारी ऐसा कुछ होता है, निर्वाचन पदाधिकारी, तो वो है, इसके भी लेवल 9 है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट शुगर केन ऑफिसर जो होते हैं, गन्ना पदाधिकारी, इसको भी लेवल 9 दिया गया है, ठीक ठाक पोस्ट है, कोई वैसी मतलब टेंशन नहीं है, कोई वैसा काम ही नहीं है, तो पावर भी उस तरह की नहीं होगी। आप देखेंगे कि जितना साइडलाइन वाली पोस्ट होगी, तो उतना आपको वैल्यू कम होता जाएगा, हालांकि सारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं, और आपका जो बॉस होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या फिर इसको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, DCO, इसका भी लेवल 9 है, और इसके अंदर ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, सब डिविजनल कोऑपरेटिव ऑफिसर्स जैसे पोस्ट होते हैं, जो कि बिहार SSC के थ्रू आएंगे, तो आपके जूनियर्स काफ़ी सारे मिलेंगे आपको काम करने के लिए,
तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो आपकी जॉब के लिए, जॉब तो है नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी एक तरह से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करानी है, ये सारा काम आप को दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर में। तो ये भी अच्छी पोस्ट है, लेवल 9, इसमें भी दिया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, इसको असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। तो सूचना का जो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपको निकालना है कोई सी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इस ऑफिसर के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिहार प्रोबेशन सर्विस, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये भी एक तरह की जेल सर्विस ही है, ठीक है। जो लोग मतलब प्रोबेशन पे होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके कुछ सुधार वुधार से रिलेटेड है। शुरू में लेवल 8 मिलता है लेकिन जल्दी ही 3-4 साल में ही लेवल 9 कर दिया जाता है, तो ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता होगा। तो ये लेवल 8 है, इसमें आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में थोड़ी भाग दौड़ तो होगी चेक पोस्ट पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप इंस्पेक्टर हैं, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है लेवल 8, तो आपके अंदर सब इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बिहार लेबर सर्विस, इसमें आपको लेवल 8 दिया जाएगा, जेल सुपरिटेंडेंट से शुरू होती है बिहार लेबर सर्विस। आपके अंदर बिहार वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहेगा और उसके ऊपर आपको डिप्टी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर वगैरह रहते हैं, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पता होगा आपको, कार्यपालक अधिकारी जो म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटी में, तो लेवल 7 दिया जाता है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो अभी तक जो हमने देखा वो लेवल 9 तक का देखा है, उसके बाद 2-3 पोस्ट हमने देखे जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर और लेबर सुपरिटेंडेंट, ये सब लेवल 8 का आया, मतलब कि एक स्टेप डाउन हो गए, हम लोग ग्रुप बी की तरफ आने लगे। अच्छा, कई पोस्ट जितने भी थे लेवल 9 में भी, वो सारे ग्रुप बी पोस्ट हैं, ग्रुप ए पोस्ट नहीं है। ग्रुप ए पोस्ट सिर्फ 3 थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फिनांस सर्विस, बाकी सारे पोस्ट लेवल 9 होते हुए ग्रुप बी पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी लेवल 8 वाला देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है कि इनका भी लेवल 8 होते हुए ये ग्रुप B सर्विस है, ठीक है। अब जो नीचे आ रहे हैं हम लोग, इनका लेवल 7 होगा लेकिन ये ग्रुप B पोस्ट है ये भी, ठीक है। तो जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर, इसी से सर्किल ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी से BDO बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप B पोस्ट हैं। उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये नॉन गेजेटेड होता है। उसके बाद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, तो जो मतलब ब्लॉक आपूर्ति पदाधिकारी, जो हुआ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS, जो भी आपको मिलता है अनाज वगैरह, तो उसका ध्यान रखना होता है इसको, ठीक है। यही सारे काम है इसके, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर तक ये बन पाता है, ठीक है, प्रमोट होके। उसके बाद ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जो कि SC ST डिपार्टमेंट का, जो भी आपको क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति जो मिलती है, स्टाइपेंड जो मिलता है SC ST OBC के लोगों को, तो वो सारा काम इनको देखना होगा। माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी वेलफेयर को देखेगा, लेकिन SC ST OBC जो भी आता है वो ब्लॉक ये SC ST डिपार्टमेंट से वो निकलता है। ये आप जिला असिस्टेंट डायरेक्टर तक बन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, गेजेटेड हो गया है। अब पहले BIHR SSC के थ्रू होता था, अब BPSC के थ्रू के आने के बाद ये गेजेटेड भी हो गया है, लेवल 7 भी कर दिया गया है इसको। उसके बाद ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, कोई खास पद नहीं है क्योंकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी का भी पोस्ट डायरेक्ट आता है 5400 ग्रेड पे। तो ये समय देखिए, जिनकी भी 5400 पे हायरिंग है, जिस डिपार्टमेंट की भी डायरेक्ट हायरिंग है 4800 ग्रेड पे लेवल 8 पे, और अगर उसमें आप कम पोस्ट पे हायर करते हैं तो आपको सीनियर पोस्ट पे जाना बड़ा मुश्किल होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रमोशन उसमें नहीं होगी जिसमें भी डायरेक्ट पोस्टिंग है। तो
वही बात है, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी में प्रमोशन कम होगा क्योंकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी का भी वैकेंसी डायरेक्ट आता है लेवल 9 पे। उसी तरह से ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर लेवल 6 है, तो आप 6 से 9 कैसे पहुंचेंगे जब 9 पे डायरेक्ट हायरिंग हो रही है? अभी आपने देखा था वो माइनॉरिटी वेलफेयर, तो माइनॉरिटी वेलफेयर में माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी फंड आते हैं, जो भी आता है उसको आपको ये करना होता है, मतलब एग्जीक्यूट करना होता है जो भी प्लान है, स्कीम जो आती है गवर्नमेंट की। तो यही 29 पोस्ट हैं, और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा पोस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए, किस में प्रमोशन अच्छी है, तो ये किसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, कौन सा रूरल पोस्टिंग है, अर्बन पोस्टिंग है, किस में ज़्यादा वर्कलोड है, किस में पावर ज़्यादा है, बाकी कंपैरिजन भी अगले वीडियो में कर लेंगे। तो अभी हमने फास्ट में ये चीज़ देख लिया कि ये 29 पोस्ट बीपीएससी के अंदर आती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।